हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आए मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने दो वीडियो अपलोड कर चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। पार्ट वन इसका अपलोड कर दिए हैं, पार्ट टू भी, ये आज हमारा पार्ट थर्ड है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है ज़रा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है समीकरण का हल कीजिए। क्या लिखा हुआ है? समीकरण का हल कीजिए। x प्लस वन इंटू है 2x प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, फिर इंटू 2x प्लस थ्री माइनस 14। मतलब इसको सॉल्व करके बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में है x प्लस वन, फिर है 2x प्लस वन, इधर है x प्लस थ्री इंटू 2x प्लस थ्री माइनस 14। अब सॉल्व करना है, हम लोग को बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले x को ये दोनों के साथ इंटू करेंगे तो क्या होगा, x को 2x से इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, प्लस x को 1 से इंटू करेंगे x होगा, प्लस 1 को 2x से इंटू करेंगे 2x, प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 होगा। इधर देखिए x को 2x से इंटू करेंगे 2x स्क्वायर होगा, प्लस x को 3 से इंटू करेंगे 3x होगा, प्लस 3 को 2x से 6x, प्लस 3 को 3 से 9, इधर माइनस 14 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए ये 2x स्क्वायर, इधर से ये 2x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे x प्लस 2x तो 3x होगा, इधर भी 3x है मतलब ये भी कट जाएगा, तो इधर हम लोग के पास 1 बच गया, और उस तरफ कितना, इधर है 6x प्लस 9 में 9 में 14 माइनस कर देंगे तो ये माइनस 5 होगा, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6x, मतलब यहाँ पे 5 और 6 हो गया तो 6 इक्वल टू 6x हो गया, तो x बराबर 6 बाय 6 कट जाएगा 1, x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा, सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखेंगे, x के लिए हल कीजिए। क्या बोल रहा है यहाँ पे, x के लिए हल कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। क्या दिया हुआ है, रूट टू अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव है इक्वल टू है रूट टू टू एक्स प्लस फाइव, और आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास क्या है जरा ध्यान से देखें, हम लोग के पास है रूट टू और यहाँ पे x प्लस फाइव है पावर में, फिर रूट टू है, फिर हम लोग के पास है 2x प्लस फाइव। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों का बेस क्या है, देखिए ये बेस है ये भी बेस है, दोनों का बेस सेम है और ये एक्सपोनेंट है ये भी एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो अगर बेस यहाँ पे अगर सेम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस कैंसिल कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस फाइव, तो हमारा 2x प्लस फाइव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 5 को इस तरफ ले चलिए तो क्या होगा, पहले से 5 यहाँ था ये 5 इधर आ गया माइनस 5, 2x अपने जगह पे प्लस x है तो इधर आ गया माइनस x, 5 में 5 माइनस हो जाएगा तो 0 और 2x में x माइनस करेंगे तो x, मतलब x का वैल्यू हमारा कितना होगा, 0। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि अंडर रूट 676 प्लस अंडर रूट 324 इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू 4 है तो x का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अंडर रूट 676 प्लस अंडर रूट 324 इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू 4 है तो x का मान कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग के पास क्या है अंडर रूट, देखिए क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 676 प्लस अंडर रूट 324 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू 4 है, और हम लोग से पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा ये बताना, तो ध्यान से देखें ये 676 का वर्गमूल क्या होता है, 26 होता है, प्लस इधर है 324 किसका होता है, 18 का होता है, इक्वल टू रूट एक्स ही रहने दो इंटू 4। अब यहाँ पे 26 और 18 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हम लोग का 44 आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू 4, यहाँ से अंडर रूट एक्स निकालेंगे तो इधर आएगा 44
बाय 4 काट दीजिए 11 बार में, तो अंडर रूट x इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब रूट को हटाएंगे तो उस तरफ चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब हमारा 11 का स्क्वायर 121। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा डी। यदि m और n पूर्णांक है, यदि m और n पूर्णांक है ताकि m का पावर n इक्वल टू 121 दिया हुआ है, तो हम लोग को पूछ रहा है कि m माइनस 1 और n प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। क्या पूछ रहा है, m माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, यह हम लोग को खोजना है इसमें। तो देखिए इसको बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए m का पावर n इक्वल टू 121 है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। मतलब हम लोग 121 जो है हमारा, अगर हम इसको देखें m का पावर n 121, मतलब ये किसका है 11 का स्क्वायर है। इसका मतलब हम लोग को ये पता चल रहा है कि m के जगह पे यहाँ पे 11 है और n के जगह पे हमारा क्या 2 है। अब यहाँ पे हम लोग पुट करके सॉल्व कर लेंगे, m के जगह पे 11 हो गया माइनस 1 और n के जगह पे हो गया 2 प्लस 1, तो 11 में 1 हटा देंगे तो 10 हो जाएगा और पावर में यहाँ पे 3, तो 10 का पावर 3 मतलब 1000 हो गया। तो ये हमारा आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 टू द पावर 1/4, क्या लिख रहा है, 5 टू द पावर 1/4 इनटू 125 टू द पावर 0.25 का मान क्या होगा। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। 525 रूट 5, 5 रूट 5 क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, 5 का पावर 1/4 है इंटू 125 का पावर में है 0.25, ठीक। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये तो 5 का पावर 1/4 हो गया इंटू 125 हो गया, और ये जो यहाँ पे 0.25 है इसको 25 का पावर हम लोग 25 बाय क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हमको इसको काट देंगे तो 25 से क्या 25, 25 चौके 100 हो गया। मतलब हम लोग के पास क्या आया, 5 का पावर 1/4 इंटू इधर से 125 है और इसका पावर भी 1/4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या कि हमने 5 का पावर 1/4 को ही इसी तरह से लिखते जा रहे, 125 यहाँ है, 0.25 है, 25 को पॉइंट को हटाएंगे तो 25 बाय 100 आएगा, कटेगा 25 से का 25, 25 चौके 100, मतलब ये 1/4 आ गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं ना, इसका बेस यहाँ पे 5 है तो इसका भी बेस को 5 बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। वो कैसे बनेगा सो देखे, 5 का पावर 1/4 इंटू 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, कैसे, 25 25 25 25 125 हो जाएगा, और बाहर में कितना था 1/4, तो ये हम लोग का हो गया 5 का पावर 1/4 इंटू, अब ये इसके साथ इंटू हो जाएगा तो 5 का पावर कितना आ जाएगा 3/4 आ गया, ठीक है। आप याद कीजिए एक फॉर्मूला था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, आप लोग पढ़े होंगे कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n होता है, ठीक है। तो देखिए बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब 5 का पावर हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, मतलब 5 का पावर एस एम कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो ऊपर में 1 प्लस 3 होगा, मतलब 5 का पावर 4/4 कट के 1, मतलब 5 का पावर 1 मतलब 5, तो ये हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा।